यह कहानी इतिहास की सबसे खराब पर्यावरणीय आपदाओं में से एक के बारे में है, जो चीन में गौरैया उन्मूलन के एक गलत अभियान के कारण हुई थी, और ये प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणामों का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। बात है 1958 की, जब कम्युनिस्ट चीन के नेता माओ त्से-तुंग ने चूहों, मक्खियों, मच्छरों और गौरैया को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान, फॉर पेस्ट्स अभियान शुरू किया। उनका मानना था कि ये कीट बहुत अधिक अनाज खा रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। ड्रमों, बंदूकों, जालों और जहर का उपयोग करके गौरैयों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए लाखों लोगों को संगठित किया गया। उन्होंने घोंसले, अंडे और चूजों को नष्ट कर दिया और पक्षियों को उतरने या आराम करने से रोक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में गौरैया लगभग विलुप्त हो गई। लेकिन माओ को इस बात का एहसास नहीं था कि गौरैया कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, खासकर टिड्डियां। अपने प्राकृतिक शिकारियों के बिना टिड्डियां कई गुना बढ़ गईं और खेतों में झुंड बनाकर फसलों को चट कर गईं। 1959 से 1961 तक भयंकर अकाल पड़ा। अनुमान है कि 15 से 78 मिलियन लोग भूखमरी बीमारी से मर गए। फॉर पेस्ट्स अभियान एक बड़ी विफलता थी और इस बात का दुखद उदाहरण था कि मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति के संतुलन को कैसे बाधित कर सकता है। तो दोस्तों, ये वास्तविक घटना एक जीवंत उदाहरण है प्रकृति से छेड़छाड़ के भयानक दुष्परिणामों का। जितना आप प्रकृति की सुरक्षा करेंगे, उतना ही प्रकृति आपको सुरक्षित रखेगी। इसलिए प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति के हर एक संरचना से प्यार करें, उसे महसूस करें, तब शायद आप प्रकृति को समझ पाएंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।